नमस्कार, मैं हर्षवाणी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 नवंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सेल ने 245 रिक्तियों के लिए जारी किया भर्ती अधिसूचना। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए डमी एडमिट कार्ड हुआ जारी। तेजस्वी यादव ने विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला का किया उद्घाटन। 4 राज्यों के 7 सीटों पर हुए विश्व उपचुनाव में 4 सीटों पर भाजपा का कब्जा। जिम्बाब्वे को हराकर ग्रुप टॉपर बना भारत, सेमीफाइनल में इंग्लैंड से होगी भिड़ंत। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सेल ने 245 रिक्तियों के लिए जारी किया भर्ती अधिसूचना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने विभिन्न डिसिप्लिन में मैनेजमेंट ट्रेनी के कुल मिलाकर 245 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री विद 65% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की तारीख 23 नवंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.sale.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला का किया उद्घाटन। बीते दिन बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले का उद्घाटन किया। इस बार मेला बिना किसी कोरोना के पाबंदी के और भी बड़े स्तर पर लगाया गया है, जहां मेले में 2136 स्टॉल लगाए गए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले का रविवार को विधिवत रूप से उद्घाटन किया। कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, मंत्री आलोक मेहता के अलावा कई विधायक भी मौजूद रहे। यह मेला 7 दिसंबर तक चलेगा। मेले में आने वाले पर्यटकों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों के लिए बस का परिचालन भी किया जा रहा है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे विजय कुमार की। 7 नवंबर 1954 को बिहार के सासाराम में जन्मे विजय कुमार एक भारतीय आणविक जीव विज्ञानी, वायरोलॉजिस्ट और इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में वैज्ञानिक हैं। हेप्टोलॉजी में अपने शोध के लिए जाने जाने वाले विजय कुमार नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज भारत, नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज और नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के साथ साथ जेसी बोस नेशनल में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के निर्वाचित फैलो हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भारत की सर्वोच्च एजेंसी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने उन्हें 1997 में चिकित्सा विज्ञान में उनके योगदान के लिए सर्वोच्च भारतीय विज्ञान पुरस्कारों में से एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी। बिहार बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं के लिए आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अहम खबर है। दरअसल बोर्ड परीक्षा के पहले डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में स्टूडेंट बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com में विजिट करके डमी एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर डमी एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसे 18 नवंबर तक सुधारने के लिए आवेदन कर सकते हैं। डमी एडमिट कार्ड सुधारने के लिए स्टूडेंट्स को अपने स्कूल के माध्यम से आवेदन करना होगा। लास्ट डेट के बाद किसी भी तरह के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे में बोर्ड परीक्षा के स्टूडेंट को सलाह दी है कि लास्ट डेट का इंतजार ना करें। 6 राज्यों के 7 सीटों पर हुए विश्व उपचुनाव में 4 सीटों पर भाजपा का कब्जा। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में कुल 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा का दबदबा कायम रहा है। बीजेपी ने 7 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 1 शिवसेना, 1 राजद और 1 सीट टीआरएस के खाते में गई है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत से विपक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी ने जीत हासिल की है। बिहार में राजद और भाजपा ने बीते दिन क्रमशः मुकाम और गोपालगंज विधानसभा सीटों को बरकरार रखा। हरियाणा में बीजेपी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ने आदमपुर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। महाराष्ट्र में उद्धव गुट की शिवसेना ने मारी बाजी। तेलंगाना में टीआरएस और ओडिशा में बीजेपी को जीत मिली। दाऊद खान फोर्ट इस वजह से है बेहद खास। यह किला दाऊद नगर में स्थित है, जो सोन नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी स्थापना 17वीं शताब्दी के मुगल सम्राट औरंगजेब के अधीन बिहार के कथित राज्यपाल दाऊद खान ने की थी। ऐसी मान्यता है कि विजय प्राप्त कर लौटते समय यहां दाऊद खान ने रुककर कुछ दिन आराम किया और इस जगह की स्थापना की। बाद में औरंगजेब ने इस शहर को दाऊद खान को भेंट कर दिया। यहाँ पर दाऊद खान और उनके पोते अहमद खान द्वारा बनाई गई मस्जिद और सराय की झलकी देखने को मिलती है।
बुलेरो पर लोड 20 कार्टन विदेशी शराब बरामद, चालक गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद राज्य में धड़ल्ले से शराब का अवैध कारोबार हो रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस और उत्पाद विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना इलाके के तारतर स्लुइस गेट के पास से पुलिस ने बीते दिन बोलेरो पर लोडेड 20 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया है। पुलिस ने बोलेरो के चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र रत्नेश कुमार रतन ने बताया कि नवगछिया से शराब की खेप खगड़िया तस्करी के लिए आ रहा था। सोनपुर मेले में हर हाथी की होगी DNA प्रोफाइलिंग। बगैर अनुमति प्रपत्र के पहले से ही हाथियों के मेले में लाने ले जाने पर रोक बनी हुई है। साथ ही सोनपुर मेले में बिकने आए सभी हाथी की DNA प्रोफाइलिंग होगी। हाथियों के अवैध व्यापार पर प्रभावी रोक के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। प्रदेश में पहली बार इस नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। इसके माध्यम से एक एक हाथी पर नजर रखी जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद बिहार के वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत हाथियों को लेकर पहले के नियम को और कड़ा कर दिया गया है। अगले 5 दिनों में तेजी से गिरेगा पारा। बिहार के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। ठंड को लेकर मौसम उतार चढ़ाव जारी है। ग्रामीण इलाकों में पारा गिर रहा है, वहीं शहरों के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक लगातार पारा गिरेगा और प्रदेश में ठंड की बढ़ोतरी होगी। विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 5 दिनों बाद मौसम में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं रहेगा, ठंड में बढ़ोतरी दर्ज होगी। इस दौरान चिकित्सकों का कहना है कि बुजुर्गों और बच्चों को मौसम को लेकर सावधान रहना होगा। कूच बिहार ट्रॉफी में बिहार की पारी लड़खड़ाई। बिहार और उड़ीसा के बीच राजधानी पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में चल रहे कूच बिहार ट्रॉफी के दूसरे दिन बिहार के तेज गेंदबाज अनूप की धारदार गेंदबाजी से उड़ीसा के बल्लेबाज बड़ा स्कोर कर पाने में नाकाम रहे। अनूप ने मेहमान टीम के 5 विकेट चटका कर 265 रन पर रोकने में अहम भूमिका अदा की, लेकिन बिहार के बल्लेबाज इतने कम रनों के सामने भी पानी भरते नजर आए। रविवार को दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम ने 9 विकेट के नुकसान पर 185 रन लिए हैं। ऐसे में बुधवार को बिहार 80 रनों से पीछे होने के बाद अंतर को कम करने की जी तोड़ कोशिश करेगा। दरभंगा से अमृतसर के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन का शुरू हुआ परिचालन। छठ पर्व के बाद ट्रेनों में बढ़ी भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने स्लीपर कोच के साथ दरभंगा से अमृतसर जाने वाली छठ स्पेशल ट्रेन का ठहराव कई स्टेशनों पर कर दिया है। छठ के बाद यात्रियों के अतिरिक्त भीड़ को लेकर 05211 05212 दरभंगा अमृतसर दरभंगा एक्सप्रेस स्पेशल नाम से एक ट्रेन का परिचालन बीते दिन से शुरू हो गया। यह ट्रेन दरभंगा से शाम 5:20 में खुलकर 8 नवंबर को दोपहर 1:45 में अमृतसर पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 05212 अमृतसर दरभंगा एक्सप्रेस स्पेशल 8 नवंबर को अमृतसर से शाम 7:15 में खुलकर 10 को 2:55 में दरभंगा पहुंचेगी। जिम्बाब्वे को हराकर ग्रुप टॉपर बना भारत, सेमीफाइनल में इंग्लैंड से होगी भिड़ंत। भारत ने बीते दिन जिम्बाब्वे को T20 वर्ल्ड कप सुपर 12 के आखिरी मुकाबले में 71 रन से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करने वाली टीम इंडिया ने 5 विकेट पर 186 रन का स्कोर बनाया। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 115 रन पर ही ढेर हो गई। यह मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया। KL राहुल ने लगातार दूसरे मैच में अर्धशतक जड़ा, वो 51 रन बनाकर आउट हुए। वहीं सूर्य कुमार यादव 61 रन बनाकर नाबाद रहे। जिम्बाब्वे से मैच जीतकर भारत अपने ग्रुप में टॉप किया है। ऐसे में उसे दूसरे ग्रुप की नंबर 2 टीम से भिड़ना है, यानी 10 नवंबर को सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। यह मैच एडिलेड में खेला जाना है। वहीं पाकिस्तान की भिड़ंत न्यूजीलैंड से 9 नवंबर को होगी। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने से अब 2 कदम ही दूर है। लालू नीतीश के 7 दलों के महागठबंधन को गोपालगंज की जनता ने नकारा। बीते दिन दोनों विधानसभा सीट मोकामा और गोपालगंज में हुए उपचुनाव का परिणाम सामने आया। एक और जहां एक बार फिर से अनंत सिंह ने मोकामा में अपनी सीट बचा ली। अनंत सिंह की पत्नी और राजद प्रत्याशी नीलम देवी ने भाजपा प्रत्याशी सोनम देवी के खिलाफ करीब 17,000 वोटों से जीत दर्ज किया है। वहीं गोपालगंज में भाजपा अपनी अग्नि परीक्षा में सफल हुई। RJD प्रत्याशी मोहन प्रसाद को हराते हुए BJP प्रत्याशी कुसुम देवी ने
1794 वोटों से जीत दर्ज कर ली और इसी के साथ महागठबंधन को भाजपा ने बता दिया कि जदयू की बदौलत नहीं बल्कि संगठन और पार्टी की नीतियों की वजह से गोपालगंज में भाजपा को जीत मिलते आई है। वहीं गोपालगंज में मिली जीत से भाजपा काफी उत्साहित है। भाजपा नेताओं ने प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, नेता विरोधी दल विजय सिन्हा ने कहा है कि मुकामा और गोपालगंज की जनता ने लालू नीतीश के साथ दलों के महागठबंधन को नकार दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा, मुकामा में हुई एक तरफा जीत। उपचुनाव के परिणाम आने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि मुकामा में विधानसभा चुनाव एक तरफा रहा, जबकि इन गोपालगंज में 2020 में जहां हम 40,000 वोट से हारते थे, इस बार सिंपथी वोट फैक्टर होने के बाद भी भाजपा से हमारी 1700 मतों से हार हुई है। मुकाबला दिलचस्प था और हम लोगों का जो प्रयोग था वह काफ़ी हद तक सफल रहा। दिवाली छठ जैसे त्योहारों के बीच चुनाव था। गोपालगंज की जनता यानी भाजपा के जो कोर वोटर है, जो लोग क्लेम करते थे कि फलाना हमारा ही वोटर है, उस पर महागठबंधन के लोगों ने सेंध मारने का काम किया है। बिहार विधानसभा उपचुनाव में परिणाम आने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री का यह बयान था। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर साधा निशाना। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और विधान पार्षद उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो बिहारियों के लिए गौरव का दिन होगा। विरोधी इस मुगालते में ना रहें कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल नहीं है। यहाँ बीते दिन गांधी मैदान में सद्भावना बचाओ देश बचाओ सम्मेलन को संबोधित करते हुए कुशवाहा ने वह दिन समस्त बिहार वासियों के लिए गौरव का दिन होगा जब नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सामाजिक एकता के सूत्र में पूरे देश को बांधकर विश्व में भारत का नाम रोशन करेंगे। यह भी कहा कि समस्त विपक्ष को राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच पर लाने के लिए जदयू ने नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया है। बीपीएससी ने अभ्यर्थियों को दिया ये बड़ा अधिकार। आयोग की ओर से 68वीं बीपीएससी में 50 स्टार मार्किंग प्रश्नों के अधिक अंक और नेगेटिव मार्किंग की भी बात कही गई थी, जिस पर अभ्यर्थियों की ओर से विरोध दर्ज किया गया था। अब नेगेटिव मार्किंग को लेकर आयोग की ओर से नए सिरे से तैयारी की जा रही है। इस बीच बीपीएससी विद्यार्थियों को बड़ा अधिकार देने जा रही है। बीपीएससी की 68वीं परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का स्वरूप कैसा हो, यह अभ्यर्थियों की राय से तय किया जाएगा। बीपीएससी ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से उनकी राय लेगा। इसमें 3 विकल्प दिए जाएंगे। जिस विकल्प को सर्वाधिक स्वीकार किया जाएगा उसे नेगेटिव मार्किंग के लिए लागू कर दिया जाएगा। किस स्वरूप को लागू किया जाना है इसकी सूचना बीपीएससी की ओर से ऑनलाइन आवेदन की तिथि संपन्न होने के बाद दी जाएगी। भारतीय रेलवे ने महिलाओं के लिए इस खास सुविधा का किया इंतजाम। भारतीय रेलवे ने महिला यात्रियों को विशेष सुविधा देने के उद्देश्य से सीट को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। महिला यात्रियों को ट्रेन में सीट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। रेल मंत्री ने महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बस और मेट्रो की तरह सीट आरक्षित करेगा। भारतीय रेलवे की तरफ से लंबी दूरी की ट्रेन में भी महिला यात्रियों के लिए बर्थ रिजर्व की गई है। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्लान भी तैयार कर लिया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लंबी दूरी की ट्रेनों में महिलाओं की आरामदायक यात्रा के लिए भारतीय रेलवे ने रिजर्व बर्थ निर्धारित करने समेत कई शुरू की है। ग्रामीण सड़कों पर बने पुलों के भार का होगा अध्ययन। ग्रामीण सड़कों पर बने पुलों के भार का अध्ययन किया जाएगा। ग्रामीण सड़कों पर बने पुलों के भार का पहली बार आकलन किया जाएगा कि बन चुके पुलों की क्षमता क्या है। इसका मकसद पुलों को सुरक्षित बनाए रखने और संभावित दुर्घटनाओं को रोकना है। अधिकारियों के अनुसार विभाग के अधीन 1,02,000 किलोमीटर सड़क है। इन सड़कों पर बने पुलों की संख्या 50,000 से अधिक है। अभी इन पुलों से गाड़ियां बेधड़क आ जा रही हैं। क्षमता से अधिक गाड़ियों के गुजरने से कभी भी पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है। इससे आर्थिक के साथ साथ जान माल का भी नुकसान हो सकता है। 20 दिसंबर को बोधगया आ सकते हैं दलाई लामा। अगले वर्ष 2023 में बोधगया के व्यवसायियों की बल्ले बल्ले होने की संभावना बन रही है। दरअसल इस बार एक महीना से बोधगया प्रवास पर बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 20 दिसंबर को बोधगया आने की संभावना है। अगर दलाई लामा आते हैं तो वे 20 दिसंबर से 20 जनवरी तक बोधगया में ही प्रवास करेंगे। वहीं 29, 30 और 31 दिसंबर को ऐतिहासिक कालचक्र मैदान में टीचिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 3 दिनों तक विश्व शांति एवं परम पावन दलाई लामा के लंबी आयु हेतु विशेष पूजा का आयोजन किया जाएगा। कुटनी विधानसभा उपचुनाव के लिए मुकेश सहनी तैयार। मुकामा गोपालगंज विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने बीते दिन कुटनी विधानसभा उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि यह उपचुनाव वीआईपी लड़ने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए मैदान में होगी। उन्होंने मुकामा विधानसभा उपचुनाव में राजद प्रत्याशी की जीत पर बधाई देते हुए कहा कि सही अर्थों में गोपालगंज उपचुनाव में भी भाजपा को लोगों ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी 16 नवम्बर को नामांकन दाखिल करेगी।
मोकामा में महागठबंधन की नहीं छोटे सरकार की हुई जीत। बिहार में उपचुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद एक बार फिर से पक्ष विपक्ष आमने सामने है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मोकामा में बीजेपी की हार को भी जीत बताया। उन्होंने कहा कि मोकामा में सरकार हार गई, वहां छोटे सरकार की जीत हुई है। मतलब ये कि मोकामा में महागठबंधन नहीं छोटे सरकार यानी अनंत सिंह की जीत हुई है। यह जीत राजद की वजह से महागठबंधन को नहीं मिली है। वहीं विजय सिन्हा ने कहा कि गोपालगंज में हम जीते हैं और मोकामा में जीत की कगार पर पहुंच गए हैं। इस बार महागठबंधन जीती नहीं है, हारी है। मोकामा में जीत का अंतर काफी कम है। वहीं गोपालगंज में तेजस्वी यादव अपने घर के अंदर हार गए। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। प्रसिद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता पंडित विश्वंभर नाथ का जन्म 1832 में हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले महान क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल का जन्म 1858 में हुआ। विख्यात भौतिक वेद और रसायन शास्त्री मेरी क्यूरी का जन्म 1867 में हुआ था। वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रामन का जन्म 1888 में हुआ था। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार भारतीय अभिनेता कमल हसन का जन्म 1954 को हुआ था। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर का 1862 में निधन हुआ। भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ सामाजिक कार्यकर्ता और देशभक्त अश्विनी कुमार दत्त का निधन 1923 में हुआ। भारत के प्रमुख चिकित्सक और देश सेवक जीवराज मेहता का 1978 में निधन हुआ। भारत में हरित क्रांति के जनक सी सुब्रमण्यम का 2000 में निधन हुआ। पद्म भूषण से सम्मानित भारत के समाज सेविका तारा चेरियन का 2000 में निधन हुआ। भारतीय निर्देशक और कवि बप्पादित्य बंदोपाध्याय का 2015 में निधन हुआ। और आज ही के दिन शिशु सुरक्षा दिवस, महान अक्टूबर क्रांति दिवस और कैंसर जागरूकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वायरल खबर में आज बात होगी फर्जी वेबसाइट के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे फर्जी वेबसाइट के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक वेबसाइट rctci.org.in लोगों को भर्ती करने का दावा कर रही है और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के आधिकारिक पते का उपयोग कर रही है। पीआईबी ने आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है, ऐसी कोई वेबसाइट से संबंध नहीं है, इन रिक्तियों को एनआईसी द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है। ट्विटर पर अब जल्द ही खत्म होगी शब्दों की लिमिट। एलन मस्क ने ट्वीट कर ऐलान किया है कि ट्विटर पर अब यूजर्स जल्द ही ज़्यादा शब्दों में ट्वीट कर सकेंगे। उन्होंने कहा है कि कंपनी जल्द ही इस सुविधा को जोड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि नोटपैड स्क्रीनशॉट की एब्सर्डिटी को समाप्त कर देगा। इसके अलावा टेस्ला के सीईओ ने एक और ट्वीट करके यह भी जानकारी दी है कि सभी प्रकार के कंटेंट के लिए निर्माता यानी क्रिएटर मुद्रीकरण यानी मोनेटाइजेशन के दायरे में आएगा। वर्तमान में किसी ट्वीट को करने के लिए 280 कैरेक्टर लगते हैं। आलिया रणवीर के घर आई नन्ही परी। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के घर बेटी ने जन्म लिया है। आलिया भट्ट ने बीते दिन दोपहर 12:05 पर बेटी को जन्म दिया है। दक्षिण मुंबई के HN रिलायंस अस्पताल में बीते दिन सुबह 8:20 पर आलिया को डिलीवरी के लिए दाखिल कराया गया था। बता दें कि आलिया की बेटी ने उसी अस्पताल में जन्म लिया है जहां रणबीर कपूर के पिता ऋषि कपूर भर्ती थे और इसी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। सभी को आलिया भट्ट और रणबीर की बेटी के पहले झलक का इंतजार है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मोहम्मद शाकिर हुसैन, प्रिंस यादव, रंजीत सिंह, नुन्नू, गोलू कुमार, मनोज कुमार, पंकज कुमार, मंजेश कुमार, कुणाल कुमार, शंकर मुखिया, राजीव कुमार, रविन्द्र पासवान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आयोग द्वारा बीपीएससी की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग के प्राविधान से क्या आप संतुष्ट हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।